नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका गोपाल। हमारे किचन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे फिश कबाब माही दिल से। दोस्तों आज हम अपना किचन पे माही दिल से फिश कबाब किस तरीका से बनाते हैं वो मैं दिखाऊंगा आपको आज इस वीडियो में। तो दोस्तों फटाफट चलते वीडियो के अंदर और बनाते हैं आज का कबाब माही दिल से। माही दिल से मच्छी कबाब बनाने के लिए यहाँ पर देख रहे मैंने लिया है माही माही फिश। आपको क्या करना है, माही माही फिश लेना है और उसे अच्छा से टिक्का शेप में, यहाँ पर देख रहे मैंने टिक्का शेप में 40 ग्राम वेट पे 40-50 ग्राम वेट पे टिक्का शेप में मच्छी को अच्छा से कटिंग करके वाश करके वाटर रिमूव करके ट्रे में सेट कर लिया है। आपको भी सेम माही माही फिश लेना है और इसे टिक्का शेप में कटिंग करके ट्रे में सेट कर लेना है। तो चलो अब हम लगाते हैं इस पे मसाला। दोस्तों सबसे पहले मच्छी को अच्छे से फास्ट मैरिनेशन कर लेते हैं। तो फास्ट मैरिनेशन के लिए सबसे पहले ऐड करेंगे जिंजर और गार्लिक पेस्ट। आपको ऐड कर लेना है जिंजर गार्लिक पेस्ट। और जिंजर गार्लिक पेस्ट के बाद आपको क्या करना है, ऐड करना है लेमन जूस। आपको 4 या 5 लेमन का लेमन जूस ऐड करना है। नेक्स्ट ऐड करेंगे नमक। आपको 1/2 चम्मच जैसा फास्ट मैरिनेशन के लिए नमक चाहिए होता है वही हिसाब से आपको ऐड कर लेना है थोड़ा सा नमक। और नेक्स्ट ऐड करेंगे कैरम सीड। यहाँ पर देख रहे मैंने अजवाइन सीड लिया है और इसे अच्छा से घिस घिस के ऐड कर लेना है। दोस्तों नेक्स्ट ऐड करेंगे टील लीव्स। यहाँ पर देख रहे मैंने टील लीव्स को अच्छा से नाइसली फाइनली चॉप कर लिया है। आपको क्या करना है, सेम ऐसा टील लीव्स लेना है और इसे अच्छा से नाइसली फाइनली चॉप करके ऐड कर लेना है। और नेक्स्ट ऐड करेंगे चॉप्ड गार्लिक। आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है थोड़ा सा 2 स्पून जैसा चॉप्ड गार्लिक। नेक्स्ट ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1.5 चम्मच करीब ओनली कलर के लिए। और साथ में ऐड कर लेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल मास्टर ऑयल। क्या करना है, इस मच्छी को अच्छा से मिक्स कर लेना। देख रहे हैं मैंने कैसे मिक्स कर रहा हूँ, आपको सेम इस मच्छी को मिक्स कर लेना है। जब आपका फास्ट मैरिनेशन हो जाए तब आपको क्या करना है, इस मच्छी को फ्रीजर या चिल्लर में रख लेना है 1 घंटे के लिए। और दोस्तों चलो अब बनाते हैं माही दिल से फिश कबाब के लिए मसाला। तो सबसे पहले आपको लेना है मसाला मिक्स करने के लिए 1 फ्लैट ट्रे। और ट्रे में सबसे पहले हम ऐड करेंगे भुना हुआ बेसन। यहाँ पर देख रहे हैं हमारा पास बेसन भून के तैयार है। आपको भी बेसन अच्छा से बटर डाल के भून लेना है। तो सबसे पहले ऐड करेंगे भुना हुआ बेसन। और नेक्स्ट ऐड करेंगे हैंग कर्ड। आपको ऐड कर लेना है इसमें थोड़ा सा फिल्टर वाला दही। नेक्स्ट ऐड करेंगे रेड चिल्ली पेस्ट। आपको कश्मीरी रेड चिल्ली हॉल वाला लेना है, उसे अच्छा से बॉइल करके पेस्ट कर लेना है। तो देख रहे हैं ऐड कर लेंगे 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पेस्ट। दोस्तों कश्मीरी चिल्ली पेस्ट ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये देख रहे मैंने लिया है कैसुनेट चीज और व्हाइट तिल सीड। कैसुनेट चीज व्हाइट तिल सीड और क्रीम डाल के मैंने पेस्ट कर दिया है। तो अब इस पेस्ट को ऐड करेंगे 2 चम्मच। देख रहे मैंने बहुत ठीक करके पेस्ट किया है। आपको इस पेस्ट ऐड करना है 2 से 2.5 चम्मच। नेक्स्ट ऐड करेंगे नमक। आपको ऐड करना है स्वादिष्ट अनुसार नमक। दोस्तों व्हाइट सॉल्ट का बाद आपको क्या करना है, ऐड करना है ब्लैक सॉल्ट। 1/2 चम्मच ऐड करेंगे ब्लैक सॉल्ट, लेकिन ध्यान रहे व्हाइट सॉल्ट ब्लैक सॉल्ट ये दोनों को स्वादिष्ट अनुसार ऐड करना है। नेक्स्ट ऐड करेंगे चाट मसाला 1 स्पून, ड्राई जिंजर पाउडर 1 स्पून। नेक्स्ट ऐड करेंगे सोम फेनेल सीड पाउडर 1 स्पून। ऐड करेंगे ये देख रहे तिल लीव्स। आपको ऐड करना है तिल लीव्स चॉप थोड़ा सा। और दोस्तों नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो मैंने तिल लीव्स चॉप ऐड किया है, आपको क्या करना है थोड़ा सा तिल लीव्स को लेना है और उसमें थोड़ा सा कोरिएंडर कलर के लिए और उसमें 2 पीस ग्रीन चिली और गार्लिक डाल के पेस्ट कर लेना। यहाँ पर देख रहे मैंने ऐड कर ले रहा हूँ
दो चम्मच दिल लीव्स पेस्ट और नेक्स्ट ऐड करेंगे लेमन जूस। आपको क्या करना है, 3 से 4 लेमन का वेजेस लेना है और उसका जूस ऐड कर लेना है। और नेक्स्ट क्या करना है, ऐड कर लेंगे 1/2 चम्मच ग्रीन कार्डमम पाउडर। और ग्रीन कार्डमम पाउडर के बाद ऐड कर लेंगे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। तो दोस्तों देख रहे हैं, मैंने सारे मसाला ऐड कर लिया है। अब हम इसे अच्छा से मिक्स कर लेंगे। आपको क्या करना है, इसे अच्छा से मिक्स कर लेना है। और इसका टेस्ट क्या है, इसमें सॉल्ट स्पाइसी ये सारे चीज बराबर है कि ना, आपको चेक कर लेना है। तो दोस्तों देख रहे हैं, हमारे यहाँ पर मसाला तैयार है और इसे आपको अच्छे से टेस्ट भी कर लेना है। जब मसाला तैयार हो जाए तब आपको क्या करना है, मैंने जो रखा है फास्ट मैरिनेशन का मच्छी, इस मच्छी को आपको धीरे धीरे इस ट्रे में ऐड कर लेना है और इसे मसाला के साथ अच्छा से मिक्स कर लेना है। देख रहे हैं, आपको सेम इसे मसाला के साथ अच्छा से मिक्स करना है। तो दोस्तों देख रहे हैं, मैंने कैसा मच्छी में मसाला लगा लिया है। तो हमारा माही दिल से कबाब रेडी। अब हम इसको 1 घंटे के लिए चिल्लर में रख लेंगे और 1 घंटा बाद इसको सीक में लगा के ग्रिल करके आपको प्रेजेंटेशन का साथ दिखाना होगा। और दोस्तों देख रहे हैं, 2 घंटा बीत चुका है। चलो अब हम लगाएंगे मच्छी। तो इसके लिए लेंगे तंदूर का एक मीडियम सीक। आपको सेम ऐसे सीक लेना है और इस सीक में आपको क्या करना है, धीरे धीरे पोर्शन का हिसाब से आपको मच्छी को सीक में आराम से लगा लेना है। आपको धीरे धीरे मसाला के साथ मच्छी को अच्छा से सीक में लगा लेना है। तो दोस्तों चलो अब हम धीरे धीरे इस मच्छी को ग्रिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, हम ऐड कर लेंगे इसे तंदूर में। तो आपको ध्यान रखना है, तंदूर का टेम्परेचर हमेशा गर्म होता है। अगर आप लोगों के पास तंदूर का टेम्परेचर स्लो हो तो बात अलग है, लेकिन गर्म टेम्परेचर में अगर आप लोग ग्रिल करेंगे तो क्या होता है, इसे लीड डाल के आपको ग्रिल करना है। देख रहे हैं, मैंने लीड डाल दिया है और इस मच्छी को आपको गोल्डन ग्रिल करना है। और दोस्तों देख रहे हैं, मैंने कैसा मच्छी को फुल डाउन ग्रिल कर लिया है। आपको भी सेम मच्छी को फुल डाउन ग्रिल कर लेना है। चलो अब प्लेटिंग का बारी है। आपको क्या करना है, धीरे धीरे इस मच्छी को अच्छा से एक प्लेट पे निकाल लेना है। थोड़ा सावधान से, हाँ, सीक गर्म है, मच्छी को थोड़ा घुमा के निकालिए नहीं तो टूट जाएगा। अब हम ऊपर से लगा लेंगे थोड़ा सा बटर और ऐड कर लेंगे थोड़ा सा चटपटा के लिए कबाब मसाला पाउडर। तो दोस्तों देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने कैसा बढ़िया सा प्लेटिंग करके रखा है। आपको भी आपका मनपसंद कोई भी एक प्लेट कर लीजिए और इसमें अच्छा से धीरे धीरे 1 by 1 करके आपको मच्छी को अरेंज कर लेना है। देख रहे हैं, मैंने कैसे अरेंज कर रहा हूँ, अपना चॉइस पे। और दोस्तों कैसा लगा हमारा ये माही दिल से कबाब का रेसिपी, हो जाए एक ज़बरदस्त लाइक और शेयर। और दोस्तों आपको आपका मनपसंद कैसे भी एक गार्निश करके डिस्प्ले कर लीजिए। बाय बाय, थैंक यू।